दोस्तों सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2017-18 31 दिसंबर को चालू होने वाली है और इसके ऊपर मैंने पहले से दो वीडियोस बना के रखे हैं। वो दो वीडियोस आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो दो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको जानकारी ठीक लगेगी और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस जानकारी को ले पाओगे। इस सीनियर चैम्पियनशिप के लिए महाराष्ट्र टीम में जो जो प्लेयर सिलेक्ट होंगे उसकी उस कैंप से जुड़ी एक लिस्ट मेरे हाथ में लगी है दोस्तों। उस कैंप में कौन कौन है मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ, आप देखिए दोस्तों। उस कैंप में पहले है रिशंग देवडिका, विकास कांडे, सचिन शिंगाड़े, गिरीश अन्नक, विशाल माने, विशाल लांगड़े, नितिन मतने, तुषार पाटिल, नीलेश संडुले, अक्षय जाधव, फिर शुभम वारवन, संतोष वारकड़ी, स्वप्निल शिंदे, महेंद्र राजपूत, ऋतुराज कौरवी, बलराम पायधन, सिद्धार्थ देसाई, अजिंक्य कानरे, फिर उमेश महात्रे, रवि दुगे, अभिजीत पाटिल। तो देखा दोस्तों, कैंप में ही काशीलिंग अड़के का नाम नहीं है तो टीम में कहाँ से आएगा। इस कैंप को काशीलिंग अड़के ने खुद ही ड्रॉप किया है, यह कंफर्म है। लेकिन किस कारण वश काशीलिंग अड़के ने इस कैंप को ज्वाइन नहीं किया ये पता नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है कि काशीलिंग अड़के को महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा इस कैंप से बाहर रखा हो या कुछ और, काशीलिंग अड़के ने खुद इस कैंप में हिस्सा नहीं लिया। उसका कारण क्या है अभी तक मुझे पता नहीं दोस्तों। अगर पता चलेगा तो मैं जल्द से जल्द आप सभी को अपडेट दे दूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। और देखते रहिए बस कबड्डी गुरु को। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कबड्डी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गोल सा बटन है उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कबड्डी गुरु के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और कमेंट्स में मुझे जाते जाते प्लीज़ बताइएगा कि काशीलिंग अड़के के अलावा आपको वो चैम्पियनशिप कैसे लगेगी।